मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि इस बार बिहान के बर्थडे के लिए मैंने ढेर सारा शॉपिंग किया है, सो दिस इज द वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहान का बर्थडे शॉपिंग हॉल। इस बार बर्थडे शॉपिंग जो है ना वो हमने ऑनलाइन किया है। तो कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही ऑनलाइन चेक कर रही थी एक वेबसाइट में कि कैसा कलेक्शन है बच्चों के लिए, मैं देख रही थी, लेकिन मुझे ना कुछ खास समझ में नहीं आया। और फिर ना मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी एंड वहां पे अचानक से फर्स्ट क्राई का एक एड पॉप अप हो गया था एंड वहां पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस मुझे दिख रहे थे जो मुझे पसंद आ रहे थे। और मैंने उसको क्लिक किया और डायरेक्टली मैं चली गई फर्स्ट क्राई के वेबसाइट पे। फर्स्ट क्राई के वेबसाइट पे ना मुझे एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया कलेक्शन दिखा फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज। खैर मेरे पास तो कोई बेबी गर्ल नहीं है तो मैंने अपना बेबी बॉय के लिए चूज किया है। तो जो भी सारे पसंद आ रहे थे ना मैंने टक 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 करके अपने कार्ट में जो है ना वो ऐड करती जा रही थी। और फिर मुझे ये दिक्कत आ गई कि अभी मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो जो भी हो बहुत सब कुछ मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट क्राई के वेबसाइट पे नंदी मॉम ऑफ ऑल सेल्स चल रही है जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी डील आपको मिल जाएगी और सारे ही लेटेस्ट स्टाइल पे अप टू 30% से लेके अप टू 70% तक ऑफ चल रही है। इसलिए मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी कि साइजेस रन आउट हो जाए या फिर अच्छे अच्छे कलेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले अपना जो पसंद है ना वो आप ग्रैब कर लो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हॉल वीडियो। सो पहले मैं आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो कुछ ऐसे पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुए हैं प्रोडक्ट्स एंड इसके अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स है ना वो सारे ऐसे जिप लॉक्ड बैग में आया है। और सारे ही जो कपड़े है ना वो मैंने समर को ध्यान में रख के लिया है। तो पहले मैंने लिया है एक टी शर्ट। और एक चीज मैं बता दूं, ऑनलाइन बच्चे के लिए शॉपिंग करना बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट क्राई के वेबसाइट पे ना सारे ही प्रोडक्ट्स के नीचे डिटेल्स में सब कुछ मेंशन किया गया है कि किस साइज का है ये, किस एज के बच्चे के लिए परफेक्ट है। इवन तक ये भी दिया गया है कि किस वेट से किस वेट तक बच्चे के लिए ये परफेक्ट है। तो अगर उससे भी अगर आप सेटिस्फाइड ना हो ना तो वहाँ पे साइजिंग गाइड भी अवेलेबल है। तो उसमें क्लिक करके और एक मेजरिंग टेप लेके बच्चों का जो नाप है ना वो आप लेके आप ऑर्डर कर सकते हो इजीली। तो मैंने तो एग्जैक्टली वैसा ही किया है। और इस बार मैंने बयान के लिए ना सारे ही जो चीज़ें ऑर्डर किया ना वो कलर्स में ऑर्डर किया है। बहुत ही मतलब ऐसे ब्राइट कलर में मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि बयान के लिए हमेशा मैं ना लाइट कलर या फिर मतलब वाइट ग्रेश थोड़ा सा ऐसे टोन में मैं चली जाती थी, पेस्टल्स कलर में मैं चली जाती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्राइट कलर मंगवाते हैं। तो पहला जो टी शर्ट है ना ये बेबी हग ब्रांड का है, ब्राइट रेड कलर का हाफ स्लीव टी शर्ट है और इसमें ऐसे सिम्बा बना हुआ है और लिखा है हकुना मटाटा। और बैक के साइड से ये कुछ ऐसा है, द लायन किंग का एक कार्टून वर्जन है बच्चों के लिए। तो वो ऑलरेडी उसने दो बार देख लिया है और वो सिम्बा सिम्बा करता रहता है तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लेके उसको एक सरप्राइज दे देता है। तो इसलिए हकुना मटाटा वाला टी शर्ट ये। और इसमें मैंने साइज लिया है बयान का 4 to 5 years। और बयान का बर्थडे वाला आउटफिट ना वो मैं एकदम लास्ट में दिखाऊंगी, सो लास्ट तक जरूर रहना मेरे साथ। ये टी शर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा कलर है ना इसका। तो ये एक ब्लू कलर का टी शर्ट है और ये भी बेबी हग ब्रांड का है, हाफ स्लीव टी शर्ट है और यहाँ पे ऐसे एज लिखा गया और इसमें सारे मिकी माउस का प्रिंट है आप देख सकते हो। और बैक से ये कुछ ऐसा है। तो ये आई एम रियली एक्साइटेड कि ये मैं बयान को कब पहनाऊंगा और कब मैं देखने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ब्राइट येलो कलर की। तो बयान का स्कूल यूनिफॉर्म ना येलो कलर का है और येलो मैंने देखा है कि बयान के ऊपर बहुत ही ज्यादा खिलता है तो मैंने सोचा कि एक येलो कलर का टी शर्ट हो जाए। तो इसलिए ये कुछ ऐसा है, मिकी माउस बना हुआ है, इसमें एक टाई वाला डिजाइन है एंड उसमें मिकी माउस झूल रहा है। तो ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा। और बच्चे के लिए शॉपिंग करना ना मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी पसंद आता है मतलब आपके बच्चे को वो आप बच्चे को दे सकते हो तो बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं। तो ये है द नेक्स्ट टी शर्ट। और फिर टी शर्ट लास्ट एक ही मैं और दिखाऊंगी। तो ये टी शर्ट आप लोगों ने ऑलरेडी एक ब्लॉग में पहनते हुए देखा होगा और इस टी शर्ट को मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है। सो ये ना एक गाजरी पिंक कलर का है और इसमें है ये जो टॉम एंड जेरी है ना वो, तो टॉम एंड जेरी भी हम कभी कभी देख लेता है तो इसलिए टॉम एंड जेरी वाला दिया है मैंने इस बार। तो ये गाजरी पिंक कलर का है, इसको मैंने वॉश भी कर लिया है।
सो ये भी बेबी हग ब्रांड का है ना। हाँ जी, बेबी हग ब्रांड्स के ये सारे जो टी शर्ट्स है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन मटेरियल में है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो किसी किसी के मन में ये सवाल आएगा कि मोमिता तुम बैक टू बैक टी शर्ट दिखाते जा रहे हो तो सेट क्यों नहीं लिया। तो सेट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग ज्यादातर ना व्यान के लिए टी शर्ट अलग से चूज करते हैं, शॉर्ट्स अलग से चूज करते हैं, सेट हम लोग कम ही लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है व्यान के लिए अगर हम लोग सेट लेते हैं ना तो नीचे का जो शॉर्ट्स होता है ना वो काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता है उसको, मतलब वो अच्छा नहीं दिखता है व्यान के ऊपर, तो इसलिए हम लोग अलग से लेते हैं तो वो अच्छे से बैठ जाता है। पहले मैं एक शॉर्ट दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे कलर का मैंने शॉर्ट लिया है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बेबी हग ब्रांड। जी हाँ, बेबी हग ब्रांड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये ऐसे मल्टी कलर्ड ऐसे प्रिंट्स में है, आप देख सकते हो। तो इसको बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये थोड़ा सा ना समरी वाला वाइब दे रहा है, अगर आप बीच पे घूमने भी जाते हो ना तो ऐसा शॉर्ट्स अच्छा लगेगा उस पर। तो ये मैंने लिया है और इसमें ना हल्की सी इलास्टिक भी है और इसमें नारी भी है तो ये इजिली फिट भी हो जाता है उस पर। नेक्स्ट ना मैंने लिया है एक शर्ट व्यान के लिए, तो ये शर्ट देखते ही मुझे पसंद आ गया था। तो ये ना हल्की सी लैवेंडर कलर की है और ऊपर का कॉलर इसका व्हाइट कलर की है और इसमें ऐसे छोटे 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 प्रिंट्स दिए गए हैं बहुत सारे ऐसे, तो ये मुझे देखते ही बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। ये देखिए, और शर्ट ना मैं व्यान को पहनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके ऊपर शर्ट, और इसमें ऐसे छोटे पॉकेट्स भी है। इसका फैब्रिक कॉटन तो लिखा है लेकिन ये ना मतलब कॉटन मिक्स है आई थिंक, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थिक सा लग रहा है ये, आई थिंक ये कुछ मिक्स है कॉटन के साथ, तो कुछ ऐसा। ये शर्ट ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया लेकिन ये आई थिंक ना थोड़ा सा जब ऑटम आएगा ना तभी ये पहनाना सही होगा, अभी जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है ना तो ये अगर पहनेगा तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी उसको, तो थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए फिर उसके बाद मैं उसको ये पहनाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने बेबी हग ब्रांड का ही सैंडो वेस्ट लिया। तो ये पैक ऑफ 5 है और मैं ये सबको रेकमेंड करूंगी कि ऐसी वेस्ट ना गर्मी के लिए जरूर ले, पहनने में भी आराम है और बहुत ही अच्छी कॉटन मटेरियल का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसका प्रिंट्स आप देख लो घर में पहनने के लिए कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छी अच्छी कलर्स में है और बहुत क्यूट सा भी आप है आप देख लो। तो ये मेरी ना फेवरेट है और बहुत ही अच्छी डील चल रही है इसमें, तो आप गर्मी के लिए ना घर में पहनने के लिए ये सारे देख सकते हो जो सैंडो वेस्ट का पैक आता है ना, तो इसमें 5 है तो 5 घर में पहनने के लिए इनफ रहेगा। और इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे हाथी प्रिंट्स भी है, कितने अच्छे है ना। और लास्ट है ये, और इन सब की कलर्स और प्रिंट्स ना मेरी फेवरेट है। तो मैंने लिया है और दो शॉर्ट्स, तो ये ना बाहर पहनने के लिए मैंने लिया है। ये एक तो ये ऐसे ब्लू कलर का, बहुत ही अच्छा सा ब्लू कलर है ये, मतलब थोड़ा सा डेनिम वाला कलर है इसका। तो यहाँ पे दो सामने पॉकेट्स भी है और ये शॉर्ट्स ना हल्की सी इलास्टिकेटेड भी है आप देख सकते हो, और पीछे में एक ही पॉकेट दिया गया है। और ये ना एडा मामा ब्रांड का है और ये इसका जो क्वालिटी है ना वो सुपर क्वालिटी का है। और इसी सेम ब्रांड का मैंने एक और शॉर्ट लिया है, कितना स्मार्ट लग रहा है ना ये बेज कलर का है आप देख सकते हो, और ये सेमी इलास्टिकेटेड है, सामने से ऐसे नारा लगा हुआ है और प्लेन है, पीछे से इलास्टिकेटेड है और पीछे 2 पॉकेट्स दिया गया है आप देख सकते हो, और सामने भी 2 पॉकेट्स है और नीचे का ये ऐसा स्टाइल है, बटन दिया गया है और थोड़ा सा ऐसे फोल्डेड है। तो ये मुझे बहुत ही एक स्मार्ट पीस लगा घूमने फिरने बाहर जाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो शायद ये वाला शॉर्ट्स मैं व्यान को बर्थडे के दिन पहनाऊं क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ना बेज कलर का जो ये सारे पैंट्स और शॉर्ट्स आते हैं ना वो मुझे लड़कों के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमने लिया है व्यान के लिए शू, तो ये कैंपस निंजा ब्रांड का है और ये ना कुछ ऐसा मैंने चूज किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे शूज के कलेक्शन है जिसमें ऐसे लाइट्स वगैरह सब कुछ जलते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा बेसिक ऐसे सिंपल वाला ब्लू कलर का लिया है ताकि वो किसी के भी साथ इसको पेयर कर पाए, तो कुछ ऐसी है डिजाइन इसका आप देख सकते हो, ये देखिए। और इसको ना मैंने हल्की सी बड़ी साइज में मैंने इसको लिया है ताकि इस विंटर तक वो इसको पहन पाए। तो ये है
शू। फाइनली मैं दिखाती हूँ वियान का बर्थडे आउटफिट। और बर्थडे के लिए ना मुझे हमेशा ही थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप अच्छा सा ड्रेस मुझे अच्छा लगता है बर्थडे के दिन पहनाने के लिए। लेकिन क्या है ना कि वियान का बर्थडे जब है ना तब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर मैंने अच्छा सा पार्टी वेयर टाइप ड्रेस लेके मैंने देख लिया कि उसको बस 5 मिनट मैं पहना पाई बच्चे को, फिर मुझे 5 मिनट बाद ही मुझे उसको खोलना पड़ा उसको। फिर इसलिए नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड वाला बर्थडे पे मुझे ना उसको एकदम कंफर्टेबल वाला एकदम सिंपल मैंने उसको आउटफिट दिया था, बर्थडे आउटफिट जो एकदम ही सिंपल था ताकि वो कंफर्टेबल रहे, कुछ ऐसा टाइप का मैंने दिया था। लेकिन इस बार मैंने फिर से पार्टी वेयर टाइप मैंने ले लिया है क्योंकि मन करता है यार, बर्थडे एक बार ही आता है साल में तो बच्चे को अच्छे से ना सजाओ अच्छा नहीं लगता। तो इस बार ना मैंने ऐसी कलर का एक शर्ट लिया है, आप देख सकते हो फ्लोरल प्रिंट का ब्लू कलर का, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये फुल स्लीव वाला है लेकिन आप ऐसे मुड़ के ना हाफ स्लीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर थोड़ा सा ठंड के टाइम आप पहना रहे हो तो ऐसे फुल स्लीव करके पहना सकते हो, अगर गर्मी के टाइम पहना रहे हो तो ऐसे हाफ स्लीव करके पहना सकते हो। और इसमें एक बो टाई भी दिया गया है, ये डिटैचेबल है, आप किसी और के साथ भी पेयर कर सकते हो। तो ये गोल्डन कलर का है जो इसके साथ अच्छे से मैच जा रहा है। तो ये है शर्ट, इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा पैंट नहीं लिया क्योंकि ये पहना मैं सकती हूँ या नहीं आई डोंट नो, अगर ये मैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई ना उस दिन तो अगर मैं इसको पहना नहीं सकती हूँ तो मुझे वो टी शर्ट्स में जाना पड़ेगा कि उसमें से ही कोई एक अच्छा वाला टी शर्ट मैं पहना सकती हूँ ऐसे किसी शॉर्ट्स के साथ। तो देखती हूँ, इसको पहनाने का बहुत ज़्यादा मन है पर गॉड नोज कि उस दिन क्या होगा, वेदर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो कैसा लगा आपको वियान का बर्थडे वाला आउटफिट और सारी ही आउटफिट्स कैसे लगे आपको प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। और सारे ही प्रोडक्ट्स का लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो अगर आप चेक करना चाहते हो ना देन प्लीज जरूर चेक कीजिए। और इसके साथ मैं आज का ये वीडियो करती हूँ खत्म, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।